इस बार युवा चुनाव में किस मुद्दे पे वोट देगा? अपने 18 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं कर पाई है। पहले 80 रुपए की जो दाल थी मैम, तो आज वो 200 रुपए किलो हो गई है। 400 रुपए का सिलेंडर 1150 रुपए 1200 रुपए हो गया है मैम। बेरोजगारी बढ़ गई है। क्या इस बार माहौल है चुनाव में? 18 सालों से बहनों की याद नहीं आई। कुछ काम हुआ है यहाँ? नहीं, काम तो कमलनाथ जी ने बहुत किए हैं, जैसे बिजली का हुआ, रोड का हुआ। नौकरी तो मिलती है, मगर उसके लिए पढ़ाई के लिए डिमांड कर रहे हैं। ने पढ़ाई भी अगर 10वीं पास है तो ले रहे हैं। इस बार 100% की हम लोग श्योर है कि इस बार कांग्रेस आ रही है। क्यों? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को हमने देख चुके हैं। 18 सालों में बीजेपी को हम देख चुके हैं। चाम खाएगा बेटे? और ये क्या है? ये हाँ, ये हमारा मिनकी है। मिनकी नाम है इसका? मिनकी नाम है। सुभाष जी, इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? हमारे माहौल मैडम कांग्रेस का है। हमारा फुल पर 100% कांग्रेस की वोट डलती है हमारे यहाँ। क्यों? क्यों, अब उन्हीं ने मतलब हमारे रोहना को दिल्ली तक पहुँचाया। नाम आए किसके साथ जी? देखिए, 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी बैठे थे, और अब जब चुनाव जब आपस में आ रहा है, तब वो महिलाओं को प्रलोभन दे रहे हैं। 18 साल से बेटियों की, लाडलियों की और हमारी बहनों की, भांजियों की, उनको याद नहीं आई। 15 दिन से हम लोग महीने भर से यही काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सबको यही जानकारी दे रहे हैं। कमलनाथ जी करेंगे सिलेंडर 500 रुपए, सिलेंडर 500 रुपए हमारे बच्चों के लिए, हम उनके लिए है। जोरदार ताली बजती रहे। कमलनाथ जी हमारे बीच में लैगड़ुआ ग्राम में आप पधारे हुए हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन होता रहे। When he lost his 15-month-old government to an internal rebellion by a Rahul Gandhi confidant, Jyotiraditya Sindhya, Mr. Kamalnath did not rest. Instead, he chose to go back to the drawing board to establish the Congress party's structures. The question now is, how well oiled is that machine? Is this really ready to take on the election winning machine of the BJP? An answer we'll know about only on 3rd of December. Thanks for watching.